नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अब हम बात करेंगे आज 5 दिसंबर से जुड़े हुए इतिहास के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो 5 दिसंबर 1950 को मशहूर लेखक और दार्शनिक अरविंद घोष का निधन हुआ था। अरविंद घोष ब्रिटिश राज में भारत को आज़ादी दिलाने के संघर्ष में शामिल थे और उन्होंने इसके साथ ही मानव विकास और आध्यात्मिक इवोल्यूशन की थ्योरी भी दी थी। 1962 में अरविंद घोष ने पुडुचेरी में मीरा अल्फासा के साथ मिलकर अरबिंदो आश्रम की शुरुआत की थी और एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, ऑन द वेदा आदि इनकी कई पुस्तकें थीं। 5 दिसंबर 1955 को एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायल की भी शुरुआत हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिस्टल से एडिनबरा में सीधे फ़ोन कॉल किया था और पहली बार इतनी लंबी दूरी का फ़ोन कॉल किया गया था, वह भी इतनी तेज गति से। इसके पहले दूसरे शहर में फ़ोन करने की सुविधा टेलीफोन एक्सचेंज के पास ही हुआ करती थी और एसटीडी आने के बाद बड़ी ही आसानी से लोग एक शहर से दूसरी शहर तक बात कर सकते थे। एसटीडी के जरिए हर शहर के एक्सचेंज का एक कोड बनाया गया और ग्राहकों को फोन नंबर के पहले उस कोड को डायल करना होता था। पहली एसटीडी कॉल भले ही 1955 में हो गई थी, लेकिन इसे पूरा करने में काफ़ी वक्त लगा और 1979 में ही यह ब्रिटेन की तरह पूरी तरीके से लागू हो सका था। इसी सेवा का विस्तार कर 1963 में लंदन और पेरिस के बीच बातचीत हुई तो इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग अस्तित्व में आया और इसके बाद इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग की भी शुरुआत हो गई थी। 5 दिसंबर 1971 ही वह तारीख थी जब भारत ने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता दी थी और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। बांग्लादेश दक्षिण जम्बू द्वीप का एक राष्ट्र है। अलग देश बनने के बाद बांग्लादेश में कुछ वर्षों तक राजनैतिक स्थिरता चलती रही। देश में 13 राष्ट्र शासक बदले और 4 सैन्य बगावतें हुई। विश्व के सबसे जनबहुल देशों में बांग्लादेश का स्थान 8वां है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह विश्व का 93वां देश है। देश की उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार से मिलती हैं और इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का भाग घोषित किया गया। बांग्लादेश दक्षिण एशियाई आंचलिक सहयोग संस्था सार्क और बिम्स्टेक का प्रतिष्ठित सदस्य है। 5 दिसंबर 1977 में मिस्र ने अरब देशों से संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर अल सादात ने सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया और दक्षिणी यमन के राजनयिकों को आदेश दिया कि वो 24 घंटे के अंदर मिस्र छोड़ करके चले आएं। सादात का यह कदम इन 4 देशों की उस संधि के विरोध में था जिसे त्रिपोली समझौते का नाम दिया गया था। PLO भी इस संधि का हिस्सा था। इसमें इन देशों ने मिस्र के साथ सभी रिश्तों पर रोक लगाने की बात कही थी। इन देशों का मानना था कि अनवर सादात ने इजराइल का दौरा करके एक गलत कदम उठाया है और सादात के इस दौरे के बाद मिस्र ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, जिसकी मौजूदगी को अरब देश मानने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद ये समझौता किया गया था। 5 दिसंबर 1995 में श्रीलंका की सेना ने जाफना पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका के तत्कालीन उप विदेश मंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल अनिरुद्ध रातबत्ते ने उत्तरी शहर पर देश का झंडा लहराया था और इस देश को 12 सालों से जारी गृह युद्ध में श्रीलंका की सेना ने ऐतिहासिक जीत बताया था। जश्न में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा था कि ये जीत तमिल टाइगर्स के खिलाफ है, ना कि तमिल समुदाय के खिलाफ। सरकार ने लड़ाई के कारण विस्थापित हुए तमिल नागरिकों से आग्रह किया कि वो यहाँ वापस लौट आए और यहीं पर अपना निवास स्थान बना करके रहें। 1983 से शुरू हुए युद्ध में
तब तक 40,000 से लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और इस जीत के बावजूद जाफना प्रायद्वीप के बड़े इलाकों पर विद्रोहियों का ही कब्जा बना हुआ था, जिस पर श्रीलंका की सेना अधिकार नहीं कर सकी थी। तो ये थी 5 दिसंबर से जुड़ी हुई इतिहास की प्रमुख घटनाएं। हम ऐसे ही इतिहास की अन्य घटनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद।